हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और इस डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मिशन 2020 में लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज थोड़ा सा लेसन लेट हुआ है, कुछ जरूरी इशू था और 3 जुलाई आज हो चुकी है और आज का दिन बड़ा स्पेशल है। बहुत सारे जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग स्टेट्स के लिए स्टडी है, क्योंकि चैनल्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं और एक पॉकेट न्यूज़ के नाम से ऐप भी एक स्टार्ट हुई है, वो लॉन्च हो चुकी है और वो आप ले सकते हो, गूगल प्ले के ऊपर वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे ही इंपॉर्टेंट जो अफेयर्स जितने भी आते हैं, जो वीडियोस हैं, जो भी कुछ है, उनके लिंक वगैरह हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत शानदार ऐप स्टडी आईक्यू ने बनाई है पॉकेट न्यूज़ के नाम से, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। और जो अफोर्डेबल कोर्सेज जो हैं उनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही जाएगा और जो सारे एग्जामिनेशन हैं उनके बारे में कॉल करके आप मंगवा सकते हो, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, सारे जो कोर्सेज हैं उसको मंगवा सकते हो। तो ये वेबसाइट का एड्रेस भी है और PDF आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और Instagram पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, Telegram का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, Facebook के ऊपर भी मिल जाएगा और ये आप टाइप भी कर सकते हो, उससे आपको ये चीज़ सर्च हो जाएगी। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की क्या है आप बताइए, और जो CSR इनिशिएटिव जो होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो PSU और जो जितने भी कॉर्पोरेट जो हाउसेस हैं, कोई कंपनीज हैं, उनका जो पर्टिकुलर प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाना पड़ता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो उसके अंदर क्या फंडिंग होती है और क्या स्टेट्स पूरा फंड करेंगे 100%? तो देखिए, इसमें तीनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। पहली बात तो टूरिज्म मिनिस्ट्री का है, इसके रिगार्डिंग अभी रूरल सर्किट जो है वो चूज किए जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी थीम्स हैं, अलग अलग सर्किट्स हैं, कोई रिलीजियस सर्किट है, कोई टूरिज्म का सर्किट है, कोई कल्चर का सर्किट है, अलग अलग ऐसे हैं। तो इसमें ये फंड जो है वो स्टेट से नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है, सेंटर से आएगा इसका। तो इसमें डी नॉन आंसर होगा और यहां पे हम पढ़ सकते हैं। देखिए, रूरल टूरिज्म जो है वो अभी बढ़ रहा है इस देश के अंदर और कुछ जो एरियाज हैं जो इनएक्सेसिबल रहते हैं ज्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर जो हिमालयन स्टेट्स वगैरह हैं, वहां पर काफी ज्यादा जो है रूरल एरियाज में लोग जा रहे हैं और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर भी काफी विजिट करते हैं। तो आजकल ये एक नया इशू चल चुका है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है उसके रिगार्डिंग भी सर्किट बनाया गया है, डेजर्ट सर्किट भी है, बुद्धिस्ट सर्किट भी है, स्पिरिचुअल सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, हेरिटेज सर्किट, कई तरह के इसमें थीम्स हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है और टूरिज्म को लेवरेज करने के लिए, और रूरल सर्किट के रिगार्डिंग अभी नोटिफिकेशन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम, ये दोनों साथ में लॉन्च हुई थी, तो स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम दोनों ही टूरिज्म मिनिस्ट्री की थी और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस का इसमें ऑप्शन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें पैसा देगी स्टेट्स को, तो शुरुआत में अनाउंसमेंट था और वैसे ये टूरिज्म मिनिस्ट्री का बोला जाता है और ये 2015 जनवरी में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बजट जो आया था 2014-15 में, नई गवर्नमेंट जब आई थी 14 में, तब उन्होंने अनाउंस किया था और जनवरी 15 के अंदर और ये लॉन्च हो गई थी दोनों स्कीम जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइड स्कीम किस चीज़ के रिगार्डिंग है? स्ट्राइड के रिगार्डिंग अभी आया था। देखिए, एक तो स्ट्राइड स्कीम पहले की है लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में रही है वो लॉन्च की है UGC ने और ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स को और सपोर्ट देने के रिगार्डिंग है। इंडिया में रिसर्च का एरिया काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, फंडिंग के बहुत बड़े इश्यूज हैं, मेजर कंसर्न्स हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या बैंकिंग क्राइसिस के लिए नहीं है और ये UGC ने लॉन्च की है स्ट्राइड स्कीम। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का इसमें कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इसमें देखा जाएगा कि रिसर्च कितना उसको सपोर्ट कर सकता है और बेसिक अप्लाइड ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन जो है वो रिसर्च किस तरह कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इसमें देखा जाएगा। तो इसमें नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस फॉर पब्लिक गुड्स एंड स्ट्रेंथनिंग सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगे, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, इसमें इवैल्यूएशन काफ़ी होने वाला है, तो UGC ने अनाउंस किया है, ठीक है। और ये जो रमेश पोखरियाल निशंक जो है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी बूस्ट देगा, तो यंग टैलेंट को इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और रिसर्च कल्चर बिल्ड कैपेसिटी, ये सब जो चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें जो होती हैं वही बातें हैं सारी, क्योंकि बोल बच्चन बहुत है हमारे स्कीम्स के अंदर और हर बार बेस्ट होता है। अब इसमें देखते हैं कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही लॉन्च हुई थी कुछ स्कीम्स जिसमें कई सारे अनाउंसमेंट थे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्पेसिफिकली रिसर्च को टारगेट कर रहा है और उसमें फंड देने की बात कर रहा है। तो उसमें देखिए, अप टू वन करोड़ ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं इसके अंदर, इसके बारे में आप पढ़ लेना पूरा डिटेल, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको बांटा गया है। पहले वाले में तो आइडेंटिफाई किया जाएगा मोटिवेटेड यंग टैलेंट्स को, दूसरे में
इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जाएगा, सोशल इनोवेशन वगैरह के इश्यूज देखे जाएंगे इसमें। तीसरा, जो हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड किया जाएगा इसमें। तो ये जो हाई इम्पैक्ट जो रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अप टू 5 करोड़ रुपीज तक का इसमें मिल सकता है, उसमें कंडीशंस होंगे अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन, ये किस चीज के रिगार्डिंग है? फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन जो है वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक डिराइव्ड क्वेश्चन है। डिराइव्ड क्वेश्चन मतलब कि कोई डायरेक्ट जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड ये है। देखिए, अभी जापान का आया था कि जापान ने जुलाई के अंदर कमर्शियल व्हेलिंग जो फिर से स्टार्ट कर दिया, 30 साल तक उसने नहीं किया था, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या है कि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है और उस वो सस्टेनेबल उसका यूज और उसके कंजर्वेशन की बात करता है, उसके रिगार्डिंग पूरा बैन भी लगाया गया था वेल्स के ऊपर, लेकिन अभी उन सबको डिफाई करते हुए और जापान ने स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें कोई मैंडेटरी कंडीशन तो लगती नहीं है और सब देश मानते हैं अपने हिसाब से और कंजर्व करना चाहते हैं, सब कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं, इसलिए इसमें सब इसका कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, लेकिन जापान ने इसको डिफाई कर दिया और कमर्शियल वेलिंग जो है वो उसका जो हंटिंग है वो स्टार्ट कर दिया है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात हो गई है। और उसने पहले अनाउंस किया था दिसंबर लास्ट ईयर, अनाउंस किया था जापान ने कि वो ये करने वाला है जुलाई तक, क्योंकि सस्टेनेबल जो तरीके हैं वो अभी तक उसमें इम्प्लाई नहीं किए गए हैं और व्हेलिंग कमीशन जो है IWC उसने इसको सही तरीके से नहीं हैंडल किया है, इसलिए हम इसमें रिज्यूम करेंगे इसको 30 साल के बाद में। तो ये वेल्स के रिगार्डिंग है, फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन। देखिए, ब्राजील के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है ये, लास्ट ईयर सितंबर 18 के अंदर ये फ्लोरियानोपोलिस ब्राजील के अंदर ये फिर से मीटिंग हुई थी इसकी IWC की, ठीक है। और ये किसको इम्प्लाई करता है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। तो लास्ट ईयर ये मीटिंग ब्राजील में हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी IWC की, उन्होंने बोला कि हम परपेचुइटी में, मतलब कि हमेशा हम इनको कंजर्व करेंगे, ये IWC का मेन गोल ही यही है कि इनको वेल्स को और कंजर्व करना। तो ये मैमल है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये व्हेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है इनके लिए, क्योंकि इसका एक्सटेंशन तक जो है वो इसको हंट कर चुके थे, लेकिन बाद में ये बड़ा इशू आया 1982 में, IWC ने एक मोरेटोरियम लगाया इसके ऊपर कि कमर्शियल व्हेलिंग नहीं होने वाली, कहीं पर भी नहीं होगी, और जापान, कनाडा और जो और नेशंस जो है वो इसको इसका विरोध करते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए इस तरह का मोरेटोरियम और हमारे लिए अलाउ होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि अपना अपना राय होती है इसके रिगार्डिंग कि भाई उसके बिना भी हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं, कुछ इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, और इसमें किसी देश के ऊपर पूरा बैन लगाया नहीं जा सकता है। हाँ, कोई सैंक्शन वगैरह वो सब की बात हो सकती है अगर किसी कन्वेंशन में चाहे तो, लेकिन इस तरह के मामलों के अंदर कोई कंट्रोल किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जापान ने पूरा इसको फ्लाउट कर दिया है अभी जुलाई 2019 से, तो 6 महीने का टाइम उसने दिया था जापान ने और दिसंबर में अनाउंस किया था कि हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इशू है। 1994 के अंदर सदर्न ओशन वेल सेंचुरी जो है वो भी क्रिएट की थी IWC ने, 2 ही सेंचुरी अभी तक बनाई है उन्होंने, इनका एम भी था कि हम सेंचुरीज बनाएंगे इसके अंदर इसका कंजर्वेशन करने के लिए। तो ये था, तो सर्टेन स्पीशीज का कंप्लीट प्रोडक्शन देंगे, वेल सेंचुरीज बनाएंगे और 2 सेंचुरी अभी तक इन्होंने बनाई है, ठीक है। फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन इसका नाम था, जो कि इसी के रिगार्डिंग था कि हम इसको कंजर्वेशन करेंगे वेल्स का। तो ये डिसाइड हुआ था 2018 सितंबर में ही, तो आपसे ये पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली, UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई सुनावा नहीं होता, वो जरूर से पूछता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये मैमल होता है, मरीन मैमल है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये इशू था, तो पूछ लेंगे आपसे। नेक्स्ट, इनर लाइन परमिट का इशू बहुत बार न्यूज़ में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर इसकी बात सुनने में आती है, और ये क्या सारे स्टेट्स में लगता है असम के अलावा? तो ये आप मुझे बताइए। नेक्स्ट जो है, पासपोर्ट क्या कैरी करना पड़ता है कोई अगर वहां पर विजिट करना चाहे तो, जहां पर इनर लाइन परमिट होता है वहां पर? तो देखिए, न्यूज में 2-3 सालों से लगातार चल रहा है, बहुत इश्यू चल रहे हैं वहां पर, जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ही ये इश्यू बड़ा मुद्दा बन गया था, 2015 से ये मेनली चल रहा है। बात यह है कि इनर लाइन परमिट का इश्यू पहले से ही चल रहा है इंडिया के अंदर, ये स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने जब उनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, ट्राइबल्स को सेव करना उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका जो टी का ट्रेड था, एलिफेंट्स वगैरह का इशू था, इन सबको और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लाए थे, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी भी चल रहा है इस देश के अंदर। और कुछ स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, 3 स्टेट्स हैं जहां पर ये लागू होता है, तो 3 स्टेट्स में इनर लाइन परमिट होता है और ये ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग ही इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू इसको करता है, तो ये आपको याद रखना है। और पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये है कि उन स्टेट्स के जो निवासी नहीं है, जो बाहर के हैं, जो वहां पर जाना चाहते हैं, उनको इनर लाइन परमिट इशू होता है,
तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत, डी नन इसका आंसर होगा। इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड के रिगार्डिंग जो रजिस्टर बनाया जा रहा है इंडिजिनस लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, जो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, ये होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। असम में जैसे एनआरसी चल रही है उसी के लाइन पे ये आरआईएन नागालैंड में चलेगा, तो वहां पर जो है इस इनरलाइन परमिट की बात आई, क्योंकि इनरलाइन परमिट जो है वो नागालैंड में है। और एक और अनाउंसमेंट क्या हुआ था नागालैंड के रिगार्डिंग की, अफ्सपा को भी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है नागालैंड के अंदर, जहां पहले से चल रहा था और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसी 6 महीने के दौरान ये आरआईएन की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो ये एक्सटेंसिव सर्वे होगा, ठीक है, और इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इनके बनाए जाएंगे सारे विलेज वगैरह का, सितंबर 11 तक इसमें अनाउंस होगा। उसके बाद में क्लेम्स लिए जाएंगे अक्टूबर तक, और फिर ये डिसाइड होगा किसको इसमें सिटीजनशिप देनी है और नहीं देनी है, मतलब कि सॉरी डिक्लेयर करना है कि वो इंडिजिनस है कि नहीं है। सिटीजनशिप वाला केस जो है वो असम में चल रहा है। नेक्स्ट आईएनपी वाला जो इशू था, ये ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो याद रखना है ट्रैवल डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल, और ये कुछ प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में चल रहा है, मणिपुर में नहीं चल रहा है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, और ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को प्रोहिबिट करता था, या फिर इंडियंस जो उस टाइम पर थे जो कि इन एरियाज में जा सकते थे, जाना चाहते थे, उनको ये प्रोहिबिट करता था। तो उनको इनर लाइन परमिट देना पड़ता था और लेना पड़ता था उनसे, और इशू करते था अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, और वो उसके बाद में उसमें विजिट कर सकते थे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एफ्सपा, सेक्शन 3 है इसका, और डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करता है। देखिए डिस्टर्ब एरिया का कॉन्सेप्ट सबसे कोर है इसमें, क्योंकि उसके कारण ही जो है एफ्सपा लगाया जाता है, जो आर्म्ड फोर्स के रिगार्डिंग स्पेशल पावर्स एक्ट है। देखिए ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे ये इंडिया में आजादी के बाद आया था, 1958 में ये पास हुआ था, इसके रिगार्डिंग बिल आया था, जो आर्म्ड फोर्सेस जो एक्ट है और वो स्पेशल पावर्स एक्ट था, और 1958 में पास हो गया था। और जो पांचवी रिपोर्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आई थी, जो पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग थी, उसने कंटिन्यू करने के लिए नहीं, इसको कंप्लीटली बंद करने के लिए बोल दिया था कि रिपील इसको कर दिया जाए, ये कोई काम का नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एक देखिए छोटी सी बात है कि एरियाज को मैनेज करना बहुत जरूरी है देश को यूनाइट रखने के लिए, और बहुत सारे खतरे होते हैं उसको रखने के लिए, सिक्योरिटी देना जरूरी है और सिचुएशन को मैनेज करना भी जरूरी है, डिस्टर्ब्ड एरिया को नॉर्मलाइज करना जरूरी है उसके रिगार्डिंग, और फोर्स का यूज होता है, तो उसमें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट था। लेकिन इशू इसमें यह है कि हमेशा इशू क्या होता है, कोई भी जगह पे इशू होता है मिसयूज का, तो मिसयूज कहीं पर कुछ केसेस में हुआ है, जैसे वहां पर बहुत इशू आए थे मणिपुर के अंदर भी और मिजोरम इन सब के अंदर भी। तो बात ये उठी कि भाई इसमें मिसयूज हो रहा है, और बहुत सारे एलिगेशंस आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल पे लगे थे कि भाई कोई किसी को मार दिया गया है और ओवर यूज किया गया अथॉरिटी का, जैसा उनको अधिकार नहीं है, और कोई इनोसेंट लोगों को मार दिया गया है, या फिर कोई रेप वगैरह जो केस है, इस तरह के एलिगेशंस लगे उनके ऊपर, उसके बाद में कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आई, इसमें जीवन रेड्डी कमेटी भी आई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसने भी स्ट्रेट वे में बोला कि इसको बंद करना चाहिए, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिवास्टेटिंग है उन एरियाज में। एक सीधी सी बात यह भी है कि किसी एरिया में देखिए इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी को वो पेश करेंगे, फिर ऑफिसर को उसके अंडर आ जाएगा, और बहुत एरिया जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें टाइम वगैरह जो भी अलाउ होता है वो सब आर्म फोर्सेस ही देखती हैं, तो काफ़ी एक जेल जैसा माहौल हो जाता है, तो ऐसे माहौल में फ्रीडम नहीं फील होती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस एरिया की। और कोई भी किसी भी एरिया में मान लीजिए लग जाए इसे, और वहाँ पर मान लीजिए पूरा रिस्ट्रिक्शन लगता है और बहुत आंख निकाल निकाल के सब देखते हैं, कोई मतलब आप एंजॉयमेंट जो है वो काफी रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है, ये भी एक इशू होता है, फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है, ये भी एक इशू है, लेकिन वो नॉर्मलाइज करने के लिए होता है। तो उसको दोनों तरह से देख सकते हैं, एक इस तरह से देख सकते हैं कि भाई हमको सिक्योरिटी मिल रही है और एरिया नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश है, एक इस तरह से देख सकते हैं कि ये लंबे टाइम से चल रहा है और हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन थोप दी गई है और हमारा एरिया जो है एक तरह से कैप्चर कर लिया गया है, तो इसलिए ये बड़ा डिलेमा था, और इसलिए इन्होंने एक तरफ ये डिसीजन दिया कि इसको हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इसमें रीडिंग ऐसी की है। तो इसमें जो देखिए गवर्नर या तो हो सकता है वो डिक्लेयर करेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी डिक्लेयर कि डिस्टर्ब एरिया है कि नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि जहां पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वहां के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करेगी, लेकिन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, इसलिए वहां पर एफ्सपा 90 से ही लगातार चल रहा है। ये चंडीगढ़ पंजाब में भी लगाया गया था और फिर 13 साल बाद हटाया गया था, 84 से लेकर 97 तक चला था, फिर हटाया गया था, और उसके बाद में
और अभी की बात करें तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं और वहाँ पर नागालैंड में जो अभी एक्सटेंड किया गया है और जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है और देश की इंटीग्रिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही तरह की बातें इसमें, तो पहला गलत इसमें, दूसरा गलत और तीसरा भी इसमें गलत है। डी नन इसका आंसर होगा। ये देखिए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट आया था 1976 के अंदर और उसमें ये बोला कि डिस्टर्ब जो एरिया कोई रहता है तो उसमें मिनिमम 3 मंथ तक जो है और उसमें शांति स्थापित करने के लिए स्टेटस को मेंटेन होगा। और 1958 से पहले एफ्सपा आ चुका था और ये मणिपुर में 1980 से ही फोर्स में है। उसके रिगार्डिंग आरम शर्मिला का आपको के सुना होगा, वो अफ्सपा के ही अगेंस्ट में उसने इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था और इतने सालों तक उसने खाना नहीं खाया था, तो वो अफ्सपा ही था। और 2000 के साल से ही 16 साल तक वो स्ट्राइक पर रही थी, 16 साल तक वो भूख हड़ताल पर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर। ये बड़ा इशू था, उनको जिंदा रखा गया था और बहुत बड़ी एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, लेकिन अभी जो है वहाँ से हटाया नहीं गया है। और स्पेशल पावर्स का जो इशू है उसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि बिना वारंट के कर लेना, 5 से ज़्यादा कहीं पर असेंबली होती है तो वहाँ पर वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो शूटिंग वगैरह के भी अधिकार इसमें होते हैं। लेकिन जो अगर किसी को मारना भी पड़ गया तो फिर इस तरह का केस नहीं लगता उनके ऊपर, मर्डर वगैरह इस तरह का आर्म फोर्सेस के ऊपर। लेकिन हाँ, आर्बिट्रेरी पावर्स इसमें नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही वो शूटिंग वगैरह होती है, लेकिन उसी का मिसयूज इसमें हुआ है और उसी का इशू इसमें उठा था। तो ये स्टार्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, जहां पर सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर काफ़ी इंसर्जेंसी का माहौल था, तो तब यह लाया गया था 1958 में और इस एरिया को नॉर्मलाइज किया गया और इन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखा गया। आज तक इसलिए ये हैं, वरना ये शायद इंडिया से अलग हो सकते थे अभी तक। 83 में पंजाब में आया था, 97 में हटाया गया था, जम्मू कश्मीर में 1990 से ही ये लागू है और बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, जितना कुछ डिस्टर्बेंस कश्मीर में हुआ है उसके अंदर अफ्सपा का जो इशू है वो सेंट्रल है और उसको हटाने के लिए सब लोग जो है कश्मीर के वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी आई थी 2004 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद में कुछ इसके रिगार्डिंग रीडिंग भी करी थी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इसके रिगार्डिंग बोला था और रिकमेंडेशन जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है। ये तक बोला गया था कि इसको रिपील कर दीजिए और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो UAPA जो एक्ट है 1967 वाला, उसमें कुछ प्रोविजन डाल दीजिए और इसको रिपील कर दीजिए अफ्सपा को, ये रिफॉर्म कमीशन ने बोला था, सेकंड ARC की रिपोर्ट में बोला गया था। नेक्स्ट फ्लाई एश, इसका क्वेश्चन बहुत बार UPSC ने पूछा हुआ है। फ्लाई एश जो है कोल को जलाते हैं तो फिर उससे कुछ धुआं निकलता है, कुछ आपने देखा होगा कुछ उड़ते हुए से, और इस तरह के मतलब ऐश होता है वो। देखिए वो नीचे तो एकदम धुआं होता है और वो गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन वो जो ही हवा में आता है वो सॉलिड हो जाता है। वो सॉलिड चीज़ जो है वो आसपास आपने देखा होगा जहाँ पर जलाते हैं कोई कोल वगैरह कुछ भी, तो आसपास वहाँ पर राख सी इकट्ठी हो जाती है, उसमें फ्लाई एश होते हैं। लेकिन जो कोल जब बनता है तो उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स वगैरह ये सब भी होते हैं और वो सारे उसमें आ जाते हैं और वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। लेकिन हाँ, हाईली कार्सिनोजेनिक इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रेड का, तो वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक इसको और डिक्लेयर नहीं किया गया है EPA अथॉरिटी के द्वारा कि ये कार्सिनोजेनिक है, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे इश्यूज हैं कि इसमें क्रिस्टलाइन सिलिका वगैरह मिलते हैं, तो क्रिस्टलाइन सिलिका जो होती है वो एक कार्सिनोजेनिक मैटर है, लेकिन वो मटेरियल जो है इसमें होता है, लेकिन इसको टोटली ओवरऑल इसको हाईली कार्सिनोजेनिक नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस आए थे कि इसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्लाई एश बड़ी काम की चीज़ है, ये वैसे तो खतरनाक है और इसका कोई यूज़ नहीं होता, मिट्टी मिल जाता है, लेकिन अगर इसको इकट्ठा करके और इसको यूज़ करें तो ये सीमेंट की जगह भी काम आ सकता है, ये बड़ा ही स्ट्रांग होता है, इससे ब्रिक्स बनती हैं, बहुत स्ट्रांग ब्रिक्स बनती हैं इससे, ईंटें जो होती हैं, और उसमें इसका यूज़ हो सकता है। तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे, डी नन इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मेजर सोर्स है PM2.5 का, इसमें जो ये जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो 2.5 वाले भी इसमें मिलते हैं, तो ये एक खतरनाक चीज़ तो है, इनहेल हो सकती है और हैवी मेटल्स इसमें होते हैं, और क्योंकि ये कोल जलाने के बाद में निकलता है तो कोल में जो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी इसमें हो सकती हैं। और ये देखिए, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भाई क्या क्या इसमें होता है फ्लाई एश में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, डाइऑक्सिन भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स हैं वोलेटाइल, जो कई तरह के मतलब पॉलीसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक हैं वो मिल सकते हैं, PAH ये भी ऐसे ही होते हैं जो कि बड़े डेंजरस हैं, तो ये सब इसमें मिल सकता है। और अभी इंडिया में जो है 63% ही और यूटिलाइज हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डेटा हैं, लेकिन टारगेट जो है 100% का है और उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और इंजीनियर्स को इन सबको इसके लिए अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फ्लाई एश बहुत काम की चीज़ है, इससे ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, रोड एम्बैंकमेंट और लो लाइंग एरियाज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब में एप्लीकेशन इसका हो सकता है फ्लाई एश के। देखिए,
ये पोर्टलैंड सीमेंट है जो नॉर्मल सीमेंट होती है, ये फ्लाई ऐश है जो पल्वराइज फ्यूल ऐश ये है मतलब टिपिकली, और ये सिले का फ्यूम है। तो ये चीज़ें बड़ी काम की होती हैं और ये बाय प्रोडक्ट होता है कोल बर्निंग का। और जो माइक्रोस्कोपी इस तरह से दिखता है, हैवी मेटल्स इसमें होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs होते हैं और रेडियो एक्टिव सॉलिड्स भी इसमें होते हैं। ये देखिए इस तरह की सीमेंट इससे बन सकती हैं। और जो यूटिलाइजेशन इसका होता है इंडिया में वो इस तरह का, देखिए 48% सीमेंट के रूप में, ब्रिक्स के रूप में 7% के आसपास, और रोड एम्बैंकमेंट और ये सब इसमें होता है। ठीक है, ये बड़ी मजबूत ईटीएस में होती हैं। और जो विकिपीडिया में ये सारे इसमें इश्यूज दे रखे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने ये एडवांटेज इसके बताए हैं, तो इस तरह से इसका यूज़ हो सकता है। और कुछ अदर एरियाज भी हैं जहां पर एडिशनली इसका यूज़ हो सकता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, कितने सारे इसके यूजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, तमिल ह्यूमन क्या है? देखिए तमिल ह्यूमन का इशू अभी आया था। तमिल ह्यूमन जो है वो फॉल आर्मवर्म का दूसरा नाम या इन्वेसिव वीड नहीं है, ये एक छोटा एक जिसको बोल सकते हैं जानवर है, लेकिन वो नॉन कॉर्डेट है और तितली है ये एक तरह से, इसका स्टेट बटरफ्लाई है ये तमिलनाडु के, जो डिक्लेयर अभी हुई है। तो तमिलनाडु जो है वो महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्टेट बन गया है जिसने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की है। महाराष्ट्र पहला था जिसने ब्लू मर्मन को और स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था 2017 के प्रीलिम्स के अंदर। और ये जो तमिल ह्यूमन है ये है तमिलनाडु का स्टेट बटरफ्लाई। पहले भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी कि भैया ये तमिलनाडु में मिलता है, लेकिन इसका नाम भी बड़ा यूनिक था और ये ऑरेंज कलर का बड़ा ही सुंदर एक छोटा सा एक कीड़ा बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो ये है, और बटरफ्लाई है। और इसकी 32 स्पीशीज जो हैं वेस्टर्न घाट में मिलती हैं। ये वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक है, मतलब कि वहाँ पर ही ये स्पेसिफिकली मिलता है। तो तमिलनाडु का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है जो वेस्टर्न घाट में आता है वहाँ पर ये मिलता है। और इसके अलावा देखिए कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने अपना स्टेट का जो पक्षी है वो घोषित कर रखा है। उत्तराखंड ने कॉमन पीकॉक को कर रखा है जो मोर होता है, कर्नाटक ने सदर्न बर्ड विंग्स को कर रखा है, केरला ने मालाबार बैंडेड पीकॉक को कर रखा है। तो ये जो है 5 स्टेट्स हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। इसको कौन हेड करेगा? देखिए चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है और इसको हेड कौन करेंगे? पीएम एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं करेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं फार्मर्स के सुसाइड के, और अभी उसके लिए एक बड़ा हाई पावर्ड कमेटी इन्होंने बनाई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो जैसे हर स्कीम में अनाउंस होता है वैसे ही इसके अंदर भी बातें बोली गई हैं, और अब देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक रोटर इशू बन चुका है और इतना बड़ा क्राइसिस है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना है अभी कि सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स की सुसाइड जो है लास्ट 3 सालों में हुई है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ा एक चिंताजनक ये विषय है। और पॉलिसी मेजर्स ये सजेस्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी ये ग्रोथ को सजेस्ट करने वाला है, असिस्ट करने वाला है। और ये जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, उसके बाद में इसको अनाउंस किया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का जो इशू है, जो डबलिंग फार्मर्स की इनकम का जो इशू है, उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो इसको हेड करेंगे, 9 मेंबर कमेटी है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसमें होंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी इसमें होंगे, और जो पंचायत राज मिनिस्टर जो है, तीनों जो है नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं, तो ये होंगे। और रमेश चंद जो है नीति आयोग के मेंबर हैं वो इसमें होंगे। चीफ मिनिस्टर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश इसमें होने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कमेटी है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये आज का लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू समिट चैनल।